ऑन द वीडियो ऑफ लर्निंग एनसाइक्लोपीडिया। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम के बारे में। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले मोमेंटम, और हम लोग मोमेंटम के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम मतलब किन किन टाइप्स का होता है। उसमें एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है लीनियर मोमेंटम। तो याद रखिए इस वीडियो में हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो थोड़ी अलग चीज हो जाती है, मतलब उसमें थोड़ी रेडियस वगैरह थोड़ी जुड़ जाती है, सर्कुलर मोशन की बात आने लगती है उसमें। तो जब भी हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं तो आप सीधा से समझ जाइए कि वहाँ लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, जहाँ एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है वहाँ पर समझ जाइए कि मतलब कि वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, मतलब कि वहाँ पर रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है या फिर सर्कुलर मोशन जिस चीज़ का इन्वॉल्व है। फिलहाल तो हम सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम क्या चीज़ है, देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए यहाँ पर दो दो इंसान है, एक है आदमी नंबर एक, मैन वन। ये जो इंसान है ये पता नहीं कौन से जिम से आए हैं कि ये अपने आप को बॉडी बिल्डर समझते हैं, खत्म हो गया, कि ये अपने आप को बॉडी बिल्डर समझते हैं भाई, ये अपने आप को बॉडी बिल्डर समझते हैं, ये बॉडी बिल्डर है। और एक है आदमी नंबर दो मैन टू, ये बेचारा ठहरा सिंगल पसली। ये क्या है, ये सिंगल पसली है। तो अब इनके सामने चैलेंज आता है, इनके पास एक चैलेंज आता है। देखिए यहाँ पर एक ग्लास है और इसके पीछे है खजाना, बोले तो ट्रेजर, दो ट्रेजर, उसमें पता नहीं कौन से जवाहरात छुपे हैं, बट फिर भी ये ग्लास है पूरी तरफ से घिरा हुआ है, इसके पीछे खजाना है जो। अब मैन वन, अब सबसे पहले सिंगल पसली आया, कह रहा है कि मैं तो लूंगा, कि मैं खजाना को लूटूंगा। और उसके बाद आया बॉडी बिल्डर, पढ़ा मैं तोड़ूंगा, तो सिंगल पसली जाता है अपने हाथ से उसको तोड़, नहीं टूटता ग्लास। लेकिन बॉडी बिल्डर जिसके पास हाथ है, उसका हाथ बहुत बड़ी मास, उसमें उसका हाथ बहुत ज्यादा हेवी रहता है बॉडी बिल्डर्स का। तो ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल मास आप रख लीजिए 5 किलोग्राम्स, मास उसके हैंड का मास है 5 किलोग्राम्स, 2.5 किलोग्राम के हाथ से भी ज्यादा है, ठीक है, सनी देओल से कई गुना ज्यादा है। तो और आदमी नंबर दो के पास तो सिंगल पसली, उसके पास तो 1 ग्राम का भी हाथ नहीं है। तो वो बेचारा क्या करता है, उसके पास ही अपनी छोटी सी चिटपुटियाओं की बुलेट, मतलब चिटपुटिया नहीं, एक उसके पास एक बुलेट थी, उसके पास एक बुलेट थी, कि ये क्या अपने पास रखा, अपने पास एक बुलेट रखा है, ठीक है, ध्यान दें, इस बुलेट का मास है, उसका हाथ तो बहुत कमजोर है, तो थोड़ा सा भी ऐसा भी होता है तो उसके हाथ में दर्द होने लगता है। तो बेचारा बुलेट का इस्तेमाल करता है जिसका मास है सिर्फ 1 किलोग्राम, जिसका मास मान कितना माना जाए, अरे क्या होता है, बुलेट का मास 2 किलोग्राम, इसका मास है 2 किलोग्राम, इसके पास बुलेट है, गोली बंदूक पर। तो जो मैन वन रहता है वो ग्लास को तोड़ देता है, क्यों कैसे, उसके पास वो बहुत ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करता है, तो फोर्स अलग बात है, मोमेंटम अलग बात है, मतलब एक ही हिसाब में दोनों सेम हो जाते हैं, बट फिर भी अलग। देखिए तो इसका मास है 5 किलोग्राम और उसने उस 5 किलोग्राम के हाथ से कुछ फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी। तो फॉर एग्जाम्पल उसने स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई घंटा। तो अब मैन टू को मैन वन का सिंगल पसली को बॉडी बिल्डर का घमंड तोड़ने के लिए तो क्या करना चाहिए, वो सोचा अच्छा हमको सिखाया है, देखो मास उसका 2 किलोग्राम, वेलोसिटी देखते हैं। तो उसने एक गन निकाली, एकदम पूरा गन,
वो अपने साथ राइफल लेके जाता, गन बुलेट उसमें लोड की, भले ही बुलेट का मास कम है लेकिन जैसे ही उसने बंदूक चलाई, वो निकली वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर से, 25 किलोमीटर पर आवर से, और उसमें भी ग्लास टूट गया। अब ये वाला इंसान सोच रहा है कि ये कौन सा गुण है, और ये वाला इंसान सोच रहा है कि ये तो जादू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, तभी वहां पर मोमेंटम आता है। देखो यहाँ पर कोई जादू वादू या कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ यार एक ही खेल है मोमेंटम का, ही सिर्फ यार खेल है। तो देखो मोमेंटम का कैसे खेल, देखो उसमें एक सर्टेन फोर्स लगा है, फोर्स की बात नहीं कर रहा, उसने सर्टेन मास कुछ वेलोसिटी के साथ फोर्स का इफेक्ट डाला, फोर्स का अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया लेकिन फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स का इफेक्ट किससे दिखा, मास इनटू वेलोसिटी से, एम तो उसने सर्टेन मास से कुछ वेलोसिटी के साथ उस शीशे पर हमला किया, शीशे टूट गया। क्यों? सर्टेन मास, देखो सर्टेन मास इनटू सम वेलोसिटी, इससे ग्लास टूट गया। यही मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। देखो मास वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है ना उसको हम लोग बस मोमेंटम कहते हैं, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, पी, इसको सॉरी यूनिट करो, इसका डिनोशन होता है पी के थ्रू, तो मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना है, यहाँ पर मोमेंटम है खुद से देख लीजिए, फाइव इंटू टेन 50 किलोग्राम पर किलोमीटर पर आवर, थोड़ा माइनस मैंने नोट हो सकता पर आवर, जो लैंड टू ने भी सर्टेन मास से कुछ वेलोसिटी के साथ हमला किया और ये आया कितना, 2 into 2.5 sorry 2.25, ये भी कितना है, 50 किलोग्राम पर किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, देख रहे हैं मास और वेलोसिटी, देखो मास एंड वेलोसिटी आर द टू फैक्टर्स विच डिसाइड मतलब अच्छे से समझा। तो देखो मास और वेलोसिटी एक दूसरे के फैक्टर को डिसाइड करवाते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। देखो भाई फोर्स तुम वेलोसिटी समझ ले, तो फोर्स हमेशा होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर, जब एक्सीलरेशन रहेगी वहां वेलोसिटी रहेगी। तो यहां फोर्स की हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम की चर्चा कर रहे हैं। देखिए भले ही इसके पास ज्यादा मास है लेकिन कम वेलोसिटी के, भले ही इसके पास कम वेलोसिटी है, बॉडी वेलोसिटी के पास कम वेलोसिटी है, उसमें भी ज्यादा मास होने के कारण उसने ग्लास को तोड़ा और लेकिन भले ही मैन टू का मास कम है, भले ही इसका मास कम है बट फिर भी वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण दोनों में एक नीचे है एक माइनस है, लेकिन भले ही वेलोसिटी के ज्यादा होने से मैन टू भी तोड़ देता है शीशे। तो ये हमें बताता है कि मास और वेलोसिटी दोनों हमें ये बताते हैं कि एक दूसरे का इफेक्ट कितना है, और वही इफेक्ट एक हिसाब से देखा जाए तो फोर्स होता है, वही इफेक्ट एक हिसाब से देखा जाए तो फोर्स होता है। मतलब वो फोर्स तो ऐसे लग रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों का जो मेन इफेक्ट है वो मोमेंटम, जो मेन इफेक्ट है वो मोमेंटम, आपको समझने की कोशिश कीजिए। बस इतना है, देखो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का
प्रोडक्ट मोमेंटम होता है। एक और चीज, मोमेंटम भी एक ऑब्जेक्ट का फोर्स डिसाइड करती है। जैसे मोमेंटम, क्या एग्जांपल लूं? हाँ, एक एग्जांपल है, देखो अगर तुम्हें चलती हुई ट्रेन, मान लो एक तुम्हारे पास से एक भी बढ़ती है, मान लो तुम्हारे पास है एक ट्रेन, ट्रेन 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 ये ट्रेन है, ये ट्रेन है रेस्ट पे। ट्रेन क्या है? रेस्ट पे। रेस्ट पे मतलब ट्रेन का मास मान लो 2000 किलोग्राम, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी जीरो होने के कारण अगर कोई ट्रेन को छू देना कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रेन भले ही अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दे, अगर ये ट्रेन अपनी वेलोसिटी को जीरो के बराबर नहीं करके, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी अपनी 100 किलोमीटर पर आवर कर दे, दैट विल मेक अ डिफरेंस। देखिए मास वेलोसिटी के बिना अधूरा है, वेलोसिटी मास के बिना अधूरा है। जैसे फिजिक्स मास के बिना अधूरा है, मास फिजिक्स के बिना, वैसे ही मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही है, भले ही अपोजिट हो पर काम करने और जब मोमेंटम की एंट्री हो जाती है दोनों की अकड़ टाइट में रहती है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे। तो ये थी आज की मोमेंटम की वीडियो। अगली वीडियो आने वाली है न्यूटन सेकंड लॉ पर, सेकंड लॉ पे इसे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ समझने से पहले सेकंड लॉ समझना काफी बेहद हद तक जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब करके तुम नहीं जड़े हो पिछले वीडियो का, मतलब पिछले के और जो भी है, बट ये अच्छा लगता है आपको, सब्सक्राइब बटन कर दो, बस एक टैप की भाई जरूरत है, तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, तुम्हें भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, हमें भी अच्छा लगेगा। और भाई इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। बाय बाय।